वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम आई सिक्सटी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डिस्क्लोजर्स को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले ऐसे जनरल डिस्क्लोजर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जो तमाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्लासेस पर अप्लाई होते हैं और हर क्लास के लिए ये डिस्कलोजर सेपरेटली देने होते हैं यानी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ये अलग से बताएंगे हम प्लान एंड मशीनरी के लिए अलग से बताएंगे और मोटर व्हीकल्स के लिए अलग से बताएंगे एंड सो ऑन तो जनरल डिस्कलोजर्स में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट

या डेप्रिसिएशन रेट बताने हैं अब डेप्रिसिएशन रेट भी एक क्लास के अंदर रेंज कर सकते हैं कि जी फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट है और यूजफुल लाइफ की रेंज भी हो सकती है क्या आप बता दें कि जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी हैं उनकी जो लाइफ है वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी ईयर्स की रेंज में है और अगर एक सेम लाइफ है अक्रॉस द होल क्लास तो आप वो एग्जैक्ट भी बता सकते हैं इसके बाद हमने बताना है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ पीरियड अब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से मुराद है कि अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी इक्यूलेटि डेसी और इंपेयरमेंट लॉसेस वगैरह लेस किए बगैर और अगर आप रिवेलिशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो जो फेयर वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी जिस पर आप शो कर रहे हैं यानी विदाउट डिडक्टिंग एनी सब्सिकेंट इक्यूमलेट डेप्रिसिएशन वो अमाउंट आप शो करेंगे इसके बाद डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी शो करनी है वो भी बिगनिंग के ऊपर भी शो करनी है और एंड के ऊपर भी शो करनी है और इसको इसमें इक्यूमिलटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस को भी एग्रीगेट कर दिया जाता है यानी जो इक्यूमलेटिड डेप्रिसिएशन के साथ आप इसको पूरा अगर नाम देना चाहें तो आप कह सकते हैं एक्यूमलेटिड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट तो ये भी हमने बिगनिंग और एंड पर हमने बताना होता है तो अब अगर हम देखें कि ये डिस्क्लोजर्स किस तरीके से बताए जाते हैं तो ये नैरेटिव नेचर के डिस्क्लोजर्स हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेजरमेंट बेसिस बताना चाहते हैं तो एक इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर है के द प्लांट एंड मशीनरी इज प्रेजेंटेड एट अ कॉस्टलेस लेस डेप्रिसिएशन वाइल मोटर व्हीकल्स आर प्रेजेंटेड एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ लेस लेसिक्वेंट डेप्रिसिएशन इफ़ एनी तो ये प्लांट एंड मशीनरी के लिए हमने बताया कि कॉस्ट मॉडल है और व्हीकल्स के लिए हमने बताया कि हमारा रिवेल्यूशन मॉडल है फिर है प्लांट एंड मशीनरी आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड और एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट पर एनम तो इसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन मैथड और डेप्रिसिएशन uh, का रेट बताया हीकल आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग सम ऑफ डिजिट मैथड ओवर फाइव ईयर यूजफुल लाइफ तो आपने या तो डेप्रिशिएशन रेट बताना होता है या यूजफुल लाइफ बतानी होती है दोनों एक साथ बताना जरूरी नहीं है दोनों में से कोई एक पॉइंट भी बता देंगे तो दैट इज इनफ अब सेम डिस्कलोजर्स के अंदर ही एक रिक्वायरमेंट है यानी फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आपने एक कैरिंग अमाउंट की जो है रिकंसिलेशन बनानी है अब ये रिकंसिलेशन कैसे बनती है बिगनिंग से लेकर एंड तक यानी ओपनिंग बैलेंस क्या था और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस क्या था और ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस तक क्या क्या चीज़ ऐड हुई क्या क्या चीज़ लेस हुई तो ऑब्वियसली उसमें जो आइटम्स आएंगे वो हैं जैसे एडिशंस यानी ड्यूरिंग द ईयर अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस करते हैं या किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डिस्पोजल हो जाता है या वो हेल्थ फॉर सेल क्लासीफाई हो जाता है तो वो फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से निकल जाता है या एक्विजिशन हो जाए थ्रू बिजनेस कम्बीशन यानी अगर कोई बिजनेस एक्वायर किया है या सब्सिडी एक्वायर किया और उसके साथ कुछ एसेट्स हमारे कंट्रोल में आ गए तो वो अलग से बताए जाते हैं फिर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो रिवेल्यूशन या इंपेयरमेंट की वजह से होते हैं यानी रिवेल्यूशन गेन आता है तो इंक्रीज़ होगा फिर रिवॉल्यूशन डेफिसिट आता है तो डिक्रीज़ होगा इसी तरह अगर इंपेयरमेंट लॉस होता है तो डिक्रीज़ हो जाता है रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस होता है तो फिर दोबारा इंक्रीज़ हो जाता है डेप्रिसिएशन की वजह से भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है और फिर नेट एक्सचेंज डिफरेंस अगर कोई ऐसे एसेट्स हों जो हमारे किसी फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड हैं और उनको हम ट्रांसलेट करते हैं अपनी करेंसी में जैसे पाक रुपी में और उसकी वजह से उनकी वैल्यू में इजाफा या कमी हो जाती है तो वो भी शो करेंगे और अदर चेंजेस भी अगर कोई हैं तो वो भी इसके अंदर हम बताएंगे तो ये हमारे जो है रिक्वायरमेंट होती है अब ये रिकन्सलेशन कैसे बनती है प्रैक्टिकली तो ये रिकन्सलेशन काफ़ी ज़्यादा कह लें कि ह्यूज होती है और बहुत सारी डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स होती हैं कंपनी के अंदर इन जनरल तो एक एनुअल रिपोर्ट से जो एक्स्ट्रैक्ट्स हम देख रहे हैं तो यू कैन नोटिस हेयर दैट वी हैव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन क्लास ऑफ एसेट्स जो कि अलग अलग उनका पूरी डिटेल बनी हुई है और फिर एक टोटल का कॉलम है तो ये अभी कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं है फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कंपनी कंपनीज़ एक्ट 2017 के मुताबिक कुछ और डिस्क्लोजर्स भी होते हैं डिस्पोजल से रिलेटेड भी और उसके अलावा भी वो सब भी इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं और इसमें जो है वो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन भी दी हुई है यानी ये एक साल का और फिर कम्पेरेटिव की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है तो ऑन दैट बेसिस तो एक डिस्क्लोजर जो है वो काफ़ी ह्यूज बन जाता है और काफ़ी डिटेल डिस्क्लोजर बन जाता है एग्जाम के अंदर इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता नॉर्मली टू और थ्री क्लास ऑफ एसेट्स जो हैं वो पूछे पूछ लिए जाते हैं डिस्क्लोजर के अंदर और हम उसको फॉलो करते हैं तो उसके लिए भी हम एक जो है स्पेसिमिन देखते हैं जो कि थोड़ा क्लियर भी हो क्योंकि ये इतना क्लियर पिक्चर नहीं है जो हम एनुअल रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं तो स्पेसिमेन में देखें तो आप ये रिकनसिलेशन ऐसी बना सकते हैं यहाँ पर हमने सिर्फ दो एसेट्स की क्लास ली हैं प्रीमिसज और व्हीकल और पहले हमने कॉस्ट को फॉलो किया है कि ओपनिंग बैलेंस जो था वो बताया फिर एडिशंस ऐड हो गए रिवेल्यूशन की वजह से इजाफा हो गया डिस्पोजल या हेल्ड फॉर सेल की वजह से कमी हो गई और एंड ऑफ पीरियड हमारे पास कॉस्ट आ गई इसी तरह हमने कम्यूनिटी डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट कब भी बनाया कि जी ओपनिंग बैलेंस इतना था डेप्रिसिएशन से बढ़ गई इक्यूलेटरी एक, डेप्रिसिएशन रिवेलिशन पर एलिमिनेट होती है तो कम हो गई इंपेयरमेंट की वजह से इक्यूलेटरी डेप्रिसिएशन एंड एम्पेयरमेंट में इजाफ़ा हो गया और डिस्पोजल के साथ भी इक्यूमलेटरी डेप्रिसिएशन क्योंकि एलिमिनेट होती है तो वो भी कम हो गई और एंड ऑफ पीरियड आ गया फिर इन दो फिगर्स जो हमारे पास कॉस्ट और इक्यूमलेटरी डेप्रिसिएशन है इनका नेट हमने लिख लिया हर एसेट के लिए भी लिख लिया और फिर टोटल में भी लिख लिया तो ये रिकनसिलेशन बनाने का एक तरीका है रिकन्सिलेशन एक और तरीके से भी बनाई जा सकती है और समटाइम्स जब हमारे पास डाटा की टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमें कौन सी टाइप बनाने में एग्जाम के अंदर जो है आसानी रहेगी तो एक और टाइप जो है उसमें यह है कि हम पहले नेट कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं और फिर नेट कैरिंग अमाउंट के अंदर पूरी मूवमेंट बनाकर एंड में फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की फिगर्स शो कर देते हैं तो उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो आपने ओपनिंग जो है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी कॉस्ट ले ली और एक डेप्रिसिएशन ले ली उससे आपके पास नेट फिगर आ गई ओपनिंग के टाइम पर फिर आपने सारी मूवमेंट शो की यानी एडिशन की वजह से इजाफा हुआ रिवेलेशन की वजह से इजाफा हुआ डेप्रिसिएशन से कमी हो गई इंपेयरमेंट से डिस्पोजल से कम हो गया एसेट तो फिर आपके पास कैरिंग अमाउंट एट एंड आ गई तो ये एक रिकनसिलेशन तो बन गई लेकिन एक रिक्वायरमेंट क्योंकि ये भी है कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और इक्यूनिटी डेप्रिसिएशन शो करनी होती हैं तो ये जो आपने एंड पर शो किया था इसका भी बाइफर्केशन फिर हम दे देते दे हैं अलग से कि कॉस्ट इतनी है और इक्यूमिटरी डेप्रिसिएशन इतनी है हर आइटम की सेपरेटली तो ये सेम डेटा यूज़ किया गया है इन दोनों को बनाने के लिए तो आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं और टिपिकली जो है हम ज़्यादातर जो है ये फॉर्मेट यूज़ कर रहे होंगे जिसमें कॉस्ट और क्यूनिटी डेपेशिएशन को हम सेपरेट रखते हैं लेकिन बाजू का डाटा ऐसा होता है कि नेट बेसिस पे बनाने में टाइम की कुछ सेविंग होती है तो वो भी हम बना सकते हैं देन कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जिन्हें हम स्पेसिफिकली सर्कमस्टांशियल डिस्कलोजर्स कहते हैं यानी सर्कमस्टानशियल डिस्क्लोजर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि अगर ऐसे सर्कमस्टांसिस एग्जिस्ट करते हों तो ये डिस्क्लोजर्स देने होंगे अगर ये सर्कमस्टानसेज किसी कंपनी में किसी एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करते तो उन्हें ये डिस्क्लोजर नहीं देने होंगे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें डिस्कलोज करना है एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्लेज दिक्योरिटी फॉर लाइबिलिटी अब अगर एक एंटिटी ने कोई मॉड गे चार्ज या प्लेज करवाया हुआ है अपने किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को तो वो ये डिस्क्लोजर देंगे और जिन्होंने ऐसा नहीं करवाया हुआ वो ये डिस्क्लोजर नहीं देंगे नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स रिकेग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन द कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एंटिटी कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करने के बजाय खुद कंस्ट्रक्ट करे और अगर वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन के दौरान उनके जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उनकी अमाउंट भी बतानी होगी जिसे हम टिपिकली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं तो उसकी जो अमाउंट बतानी है अब एक एंटिटी ने ड्यूरिंग द ईयर कंस्ट्रक्शन की है तो वो अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे और एक एंटिटी है जिसने ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं की तो उनके सर्कमस्टांसिस नहीं है वो ये डिस्कलोजर नहीं देंगे थर्ड पॉइंट है अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बाजू हमने एडवांस में कुछ कमिटमेंट्स की भी होती हैं किसी से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर करने की फॉर एग्जांपल हमने ऑर्डर दिया हुआ होता है जिसमें एक प्लांट जो है वो हमारे ऑर्डर पे बनेगा और हम अब से सिक्स मंथ के बाद या एक साल बाद या दो साल बाद वो हमें डिलीवर किया जाएगा तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट होती है जिसमें हमने फ्यूचर के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एक्वायर करना होता है इस डिस्कलोजर का ये फ़ायदा होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो और हम ये डिस्क्लोजर दें तो यूजर्स को पता चलता है कि फ्यूचर में हमारे एक्विजीशन के गए क्या प्लान्स हैं और हम बिजनेस को कितना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और एट द सेम टाइम ये कि कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट का साथ साथ मतलब ये भी है कि फ्यूचर में कुछ ऐसे कैश आउटफ्लोज भी होंगे जो अभी हमने एज लाइबिलिटी शो नहीं किए हुए इसी तरीके से अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहसिव इनकम में सेपरेटली डिस्कलोज कर दिया हो तो फिर तो ठीक है लेकिन अगर सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं किया और हमें कोई कंपनसेशन मिली थी थर्ड पार्टी से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की के वजह से फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंपेयर हुआ और हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला या कोई लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया और उसका हमें जो क्लेम मिला इंश्योरेंस कंपनी से या वेंडर से या मैनुफेक्चर से या गवमेंट से कंपनसेशन मिली तो वो हमें कंपनसेशन इनकम के तौर पर शो करनी होती है और अगर हम उसको सेपरेटली uh, कहीं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में शो कर देते हैं देन इट्स फाइन लेकिन अगर वहां शो नहीं किया तो फिर उसे आई 16 के इन डिस्क्लोजर्स के साथ शो किया जाता है अब आई 16 ये भी डिस्कस करता है कि जो कुछ डिस्क्लोजर्स हैं उनकी रेलेवेंस क्या है क्यों रिक्वायरमेंट है कि उन डिस्क्लोजर्स को स्टैंडर्ड जो है वो रिक्वायर करता है फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेप्रिसिएशन मैथड है और यूज़फुल लाइफ के बारे में डिस्कलोजर दें तो ये मैटर्स ऑफ जजमेंट होते हैं यानी एक एंटिटी की इंटेंशन होती है कि वो यूज़फुल लाइफ कितनी अरसे एक एसेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं और पैटर्न ऑफ कंजम्शन एसेट का क्या रखना चाहते हैं तो ये जो मैटर ऑफ जजमेंट होता है इसके बारे में बताने से फ़र्क क्या पड़ता है बताने से ये फ़र्क पड़ता है कि यूजर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये पता चलता है कि जो मैनेजमेंट ने पॉलिसी सेलेक्ट की हैं वो कैसी हैं क्या वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है और वो फिर कंपेरिजन भी कर सकते हैं दूसरी एंटिटीज़ के साथ क्योंकि अगर उन्हें पता है कि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मैथड यूज़ कर रही हैं तो फिर ये डिफरेंस पता होने की वजह से वो एक बेहतर कंपेरिजन कर सकेंगे और सेम रीजनस की वजह से जो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज की जाती है या पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अदर एसेट बना दी जाती है जब आप एक एसेट को यूज़ करते हैं कि और एसेट बनाने के लिए तो जो फर्स्ट एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन दूसरे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनती है रादर देन चार्ज एज एज ऐ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट और लॉस तो ये भी इससे पता चलता है कि कितनी ऐसी डेप्रिसिएशन है जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज़ हो रही है और कितनी ऐसी डेप्रिसिएशन है जो कुछ और एसेट्स की में कैपिटलाइज हो रही है इसी तरह एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन से भी ये पता चलता है कि अब तक एसेट कितना पुराना हो चुका है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एसेट हंड्रेड रुपीज़ का है या हंड्रेड मिलियन का है लेट से और उसकी इक्यूमलेट डेप्रेन जस्ट टेन मिलियन है तो इट शोज के ये ए, एसेट जो है ये अभी न्यू है अच्छा इसके मुकाबले में अगर आपका एसेट ऐसा है जिसकी कॉस्ट फिफ्टीन मिलियन है और उसकी इक्यूलिटी डेप्रिसन टेन मिलियन है तो अब वैसे एसेट साइज़ में तो छोटा है लेकिन वो अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर चुका है क्योंकि फिफ्टीन में से टेन की उसकी इक्यूमलेटेड एप्रिसिएशन है फिर कुछ डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की बेस पर होती है बेसिकली इसमें जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड बनता है वो तो आई एस एट बनता है लेकिन आई सिक्सटीन से रेलिवेंट जो और जहां पर आई एस एट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो एंटिटी डिस्क्लोज करती है नेचर एंड इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसका करंट पीरियड पर और सब्सिक्वेंट पीरियड पर इफेक्ट हो तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो रेलिवेंट एस्टिमेट्स यूज होते हैं वो है सबसे पहले रेजिडुअल वैल्यू तो रेजिडल वैल्यू एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है और अगर चेंज होता है तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन पे फ़र्क पड़ता है तो इसके डिस्क्लोजर देने होते हैं अंडर आई एस एट इसी तरह समटाइम्स कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूविंग या रेस्टोरेशन ऑफ आइटम लगती है जो कि उसका रेलिवेंट स्टैंडर्ड आई एस थर्टी सेवन है तो अगर उस अमाउंट में चेंज आता है तो उसके डिस्क्लोजर आई एस थर्टी सेवन के मुताबिक दिए जाते हैं सिमिलरली यूज़फुल लाइफ रिव्यू करके चेंज होती है या एक एंटिटी डेप्रिसिएशन मैथड चेंज करती है ड्यूरिंग द ईयर तो उसके डिस्क्लोजर देने होते हैं तो यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएशन मैथड्स इनको भी हम बताएंगे फिर कुछ डिस्कलोजर्स हैं जो सिर्फ रिवैल्यूड एसेट्स की सूरत में होते हैं यानी ऐसी एंटिटी जो अपने तमाम क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है उसको तो ये डिस्कलोजर्स नहीं देने होंगे लेकिन ऐसी एंटिटी जो अपनी एक क्लास या एक से ज्यादा क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिवेल्यूशन मॉडल पर प्रेजेंट कर रही है तो उसके लिए ये डिस्कलोजर देंगे ये डिस्कलोजर्स फेयर वैल्यू के कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं अंडर आई एफ आर एस थर्टीन जिसका टाइटल है फेयर वैल्यू मेजरमेंट उसके अलावा हैं सो so, अगर एक एसेट को आप रिवेल्यूड अमाउंट पर शो करते हैं ओनली इन दैट केस आपको ये डिस्क्लोजर देना है जिसमें आपने बताना है इफेक्टिव डेट ऑफ द रिवेल्यूशन क्या अब रिवेल्यूशन साल के स्टार्ट में हुई है किसी ड्यूरे मिड पॉइंट पर हुई है या ईयर एंड पर हुई है तो वो बताएंगे क्या जो वैल्यूशन करवाई गई है वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करवाई गई है टिपिकली कंपनीज़ बाकायदा वैल्यूअर का नाम भी डिस्क्लोज करती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फिर हर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जिसको रिवैल्यू किया गया है उसकी वो कैरिंग अमाउंट बताई जाती है कि अगर उसको रिवैल्यू ना किया जाता तो वो और कॉस्ट मॉडल पर शो हो रहा होता तो वो कितने का शो होता तो हैड द एसेट बीन कैरीड अंडर द कॉस्ट मॉडल इसका फ़ायदा ये होता है डिस्क्लोजर का कि फॉर एग्जांपल आपकी एंटिटी जो है वो रिवेल्यूशन मॉडल यूज़ कर रही है और एक और जो एंटिटी है वो कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रही है तो रिवेल्यूशन करने वाली एंटिटी भी जब कॉस्ट का डाटा दे रही होगी तो दूसरी एंटिटी के साथ कंपेरिजन किया जा सकेगा इसके बाद रिवेल्यूशन सरप्लस का के बारे में बताया जाता है कि जो उसकी अमाउंट क्या है उसमें चेंज क्या है यानी इसकी भी पूरी मूवमेंट बतानी होती है और इसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस टू शेयर होल्डर तो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक भी रिवेलेशन सरप्लस जो है वो एक कैपिटल रिजर्व है और इसमें से कैश डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता इट इज़ नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो ये रिस्ट्रिक्शन हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैंशन करनी चाहिए देन वी हैव फ्यू डिस्कलोजर्स फॉर इंपेयर्ड एसेड जो कि हम आई एस थर्टी सिक्स के मुताबिक अगर जो इन्फॉर्मेशन है डिस्कलोज करेंगे जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंपेयर हो गए और जो आई एस सिक्सटीन में डिस्क्लोजर्स uh, हैं हमारे इंपेयरमेंट से रिलेटेड अमाउंट्स वगैरह के उसके अलावा uh, जो है थर्टी सिक्स की भी कुछ रिक्वायरमेंट हैं फॉर एग्जांपल के कौन सा इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट था और कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंपेयरमेंट हुई या रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट हुई फिर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं जो इंकरेज बाय आई एस सिक्सटीन है और इंक्रेज से मुराद यहां पर यह बन जाती है कि ये ऑप्शनल है यानी आई एस सिक्सटीन की तरफ से ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर एक एंटिटी ये डिस्क्लोजर देती है तो इनक्रेज किया जाता है कि ऐसे डिस्क्लोजर देने चाहिए तो यूज़र्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन भी रेलिवेंट हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेली आइडल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी ऐसा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो यूज़ में नहीं आ रहा बस पड़ा हुआ है और वो टेम्परेली जो है हमने उस पर काम नहीं कर रहे एक्टिव यूज़ में नहीं है लेकिन ये कि बाद में वो यूज़ हो सकता है उसके बाद है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्वमेंट एंड दैट इज़ स्टिल इन यूज बाजूकत एक एसेट पे डेप्रिशिएशन चार्ज हो जाती है पूरी यूजफुल लाइफ हो जाती है फिर भी वो एसेट अभी हमारे इस्तेमाल में होता है तो उसकी कॉस्ट और इक्यूमरेटेड डेप्रिशन इक्वल होती हैं वो स्टिल निल पर शो हो रहा है लेकिन वो स्टिल यूज़ में है अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट वाइज तो कोई इंपैक्ट नहीं है लेकिन अलग से डिस्क्लोजर देकर ये पता चल सकता है कि एनटीटी के अंदर अभी कुछ बहुत पुराने एसेड भी यूज़ हो रहे हैं फिर उन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट जो एक्टिव यूज में से रिटायर कर दिए गए यानी अब हम उन्हें यूज नहीं कर रहे लेकिन उन्हें अभी हम सेल करने के लिए भी नहीं रख रहे क्योंकि अगर वो हेल्ड फॉर सेल हो जाएंगे फिर तो वो आई एफ आर एस फाइव स्टैंडर्ड है उसके अंदर क्लासीफाई हो जाते हैं और जहां पर कॉस्ट मॉडल यूज किया जाता है तो फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी पॉलिसी आपकी कॉस्ट मॉडल है आप डेप्रिसिएशन वगैरह हर चीज कॉस्ट मॉडल पर करेंगे फेयर वैल्यू आप शो कर देते हैं अगर वो मटेरियल डिफरेंट हो ताकि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए तो एंटिटीज को इनकरेज किया जाता है कि वो ये अमाउंट्स डिस्क्लोज़ करें लेकिन ये डिस्क्लोजर्स जो हैं वो मैंडेटरी नहीं हैं अब इन डिस्क्लोजर्स को हमने एग्जाम परपज़ के लिए ये करना है कि जो हमारी रिवेल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट वाइज अकाउंटिंग वाइज उसके रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस के हिसाब से उन उस, उस सब नॉलेज को हमने इन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के साथ जो है अब इम्प्लीमेंट करना होगा क्वेश्चन पे सो दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे